नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पटवारी पर झूठा आरोप लगा तो सड़कों पर उतरे ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा उचित जांच करने का ज्ञापन। वहीं आपको बता दें कि तहसील गौरमी में ग्राम घिलोवा मौजा बालूपुरा के ग्रामवासियों ने तहसीलदार शिवदत्त कटारे को दिया आवेदन। आवेदन में ग्रामवासियों ने एक सैकड़ा से अधिक लोगों के साथ तहसीलदार से ये मांग की है कि ग्राम घिलोवा में जो पटवारी की पोस्ट पर पदस्थ है, उस पटवारी पर अराजकता में असामाजिक तत्वों के द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है, जिस कारण पटवारी हरिओम सिंह भदौरिया का स्थानांतरण करना उचित नहीं है। सभी ग्रामवासी पटवारी के खिलाफ हुई झूठी की गई शिकायत की जांच के लिए मांग कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाए जो अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र कर उन पर दबाव बनाकर गलत कार्य कर रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। अर्जी शिकायत करता बोले लोग आकर इनके यहाँ पे ये दलाल है, मे दलाल है और कई हमारा BPL बनाए दे को दबाव देता। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते वो भी BPL कार्ड बनवाना चाहते पटवारी द्वारा? नहीं तो हम शिकायत कर रहे हैं, हमारा काम करो, नहीं हम शिकायत कर रहे हैं। आप कौन है उस गांव के? हम तो गांव किसान हैं। ग्रामीण हैं आप? किसान हैं, लेकिन ऐसे को किसान है तो जो किसी से गाली गलौज ना करी ना कहो, प्रेम से बोल तो बढ़िया अच्छे। क्या पटवारी आपके यहाँ क्या अच्छा कार्य कर रहा है? हमारे साथ अच्छा काम कर रहा है। अच्छा अच्छा नहीं करते हो तो इतने लोग आते ही नहीं। उसके द्वारा जो BPL कार्ड बनाए गए हैं वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजेंद्र सिंह भदौरी। कहाँ के रहने वाले हैं? गिलगुआ। क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम उपेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गिलगुआ के। अच्छा, क्या आप सरपंच हैं वहाँ के? नहीं है सरपंच, पूर्व सरपंच है। नहीं, मेंबर हैं पूर्व। अच्छा अच्छा, क्या समस्या है ये पटवारी को लेके आपके? ये गलत शिकायत करी जा रही है, पटवारी ध्वस ले जा रही है कि हमारा BPL बना हो जाए और चंदौई हमारे कब्जा में लिखी जाए, पट्टे करें आगे चंदौई। अच्छा, पटवारी को पटवारी ध्वस ले जा रहे हैं, कुछ दिन जाके मना कर शिकायत करी जा रही है। पटवारी ने जब मना किया तो उसकी झूठी शिकायत की? झूठी शिकायत करी गई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। पटवारी साहब, थोड़े दिन पहले आपके खिलाफ एक शिकायत की गई थी जहाँ आप कार्यरत अभी हैं, जिस गाँव के लोग कुछ लोगों ने की थी कि आप वहाँ राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, मगर आज करीब करीब पूरा गाँव आपके फेवर में आ गया और उन्होंने ज्ञापन एक तहसीलदार साहब को दिया है और उसमें कहा है कि पटवारी सही कार्य कर रहे हैं पटवारी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? गांव के कुछ जो असामाजिक लोग थे वो हम मेरे ऊपर दबाव बना के गलत तरीके से काम करवाना चाहते थे। वो बोल रहे थे कि पट्टे बनाते हैं हम उनके, पट्टे करते हैं ज़मीन के, जो कि शासकीय ज़मीन के पट्टे करते हैं हम उनके, और BPL जो पात्रता की श्रेणी में आते ही नहीं हैं उनके फर्जी राशन कार्ड बनवाना चाहते थे और वो लोग राजनीति से प्रेरित होकर आगे के लिए वो फर्जी राशन कार्ड बनाना चाहते थे और उनके 20-25 लोगों की उनके पास सूची थी और वो ज़बरदस्ती से और ट्रांसफ़र की धौंस दे के और नौकरी छुड़वाने की धमकी दे करके वो ये काम करवाना चाहते थे। आज पूरा गांव आपके फेवर में आ गया, कैसा लग रहा है आपको? क्या सच्चाई की जीत हुई? जी सर, यही कहना चाहेंगे कि सच्चाई की जीत हुई और मुझे पता है सर गांव के सभी लोग बहुत अच्छे हैं और 99% जो लोग हैं उन असामाजिक लोगों को छोड़ करके सभी हमारे साथ में हैं। किस गांव में आए हैं आप अभी? गिलगुआ बालूपुरा। क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह भदौरिया। पटवारी हैं आप? हाँ जी सर। ये जो किसान आए हुए हैं, किस विषय में इन्होंने ये ज्ञापन दिए सौंपा है? ये पिछले 12 तारीख को एक पटवारी हमारे जो लघु पटवारी हैं, हाँ हाँ, उनके संबंध में उनके खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया था, लेकिन ये वाला ज्ञापन उनके समर्थन में लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये पटवारी के खिलाफ जो झूठी शिकायत की गई है उसकी जाँच की। कौन सी ग्राम पंचायत? गिलगुआ ग्राम पंचायत। जो पिछली बार ज्ञापन जिन लोगों ने दिया था उन्होंने उनके खिलाफ दिया था, उनकी शिकायत की थी और ये लोग फेवर में देने आए हैं, तो इन लोगों का आखिर कहना क्या है? जो भी है ज्ञापन में लिखा है मैं अध्ययन करके उसको बता। ठीक है।